हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें से कितना पोर्शन आपको कवर करना है और कितना पोर्शन डिलीटेड है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी जो भी सारी बातें हैं वो आपको एक बार पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद हेरिडिटी का जो पूरा टॉपिक है वो आपको कवर करना है। इसमें से मेंडल कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस साल। फिर ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। फिर उसके बाद मेंडल का ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके कंसेप्ट को। फिर उसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसका आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी सारी चीज़ें इवोल्यूशन के रिलेटेड वो आपको कवर नहीं करनी। तो ये इवोल्यूशन का जो पूरा टॉपिक है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ आपको परफॉर्म पढ़नी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं, स्पीसिएशन भी नहीं। फिर उसके बाद इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन का भी टॉपिक नहीं करना है आपको। इसके रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको अभी नहीं प्रिपेयर करनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो अभी काफ़ी आसान काम हो गया है इस चैप्टर में। जो भी हेरिडिटी का पोर्शन था वही आपको सिर्फ देखना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है। ये वाइल्ड कैबेज का भी अच्छा टॉपिक था, बट अभी हट चुका है वो, ठीक है। एक बार वैसे पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, बट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना आपको ये सारी चीज़ें। चलिए, तो यहाँ पे हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर देख लिया कि इसमें कितना पोर्शन करना है और कितना नहीं करना। थैंक यू सो मच।